कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वैलेंटाइन कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है। मेरठ बेगमपुर स्थित गोपाल दी हट्टी ज्वेलरी शोरूम को लूटने वाले दो बदमाशों को पुलिस ने घटना के करीब 30 घंटे बाद ही गिरफ्तार कर लिया है। शोरूम मालिक ने लूटे गए माल की रकम 70 लाख रुपए जरूर लिखाई है, लेकिन माना जा रहा है कि ये लूट कई करोड़ की हो सकती है। इस घटना के विरोध में बेगमपुर व्यापार संघ ने शनिवार 3 बजे से शोरूम के सामने धरना शुरू कर दिया था। धरना स्थल पर पहुंचे SPCT पीयूष सिंह ने जानकारी दी कि इस घटना में लिप्त दो बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, माल बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। उनके इस घोषणा के बाद व्यापारियों ने अपना धरना समाप्त करने की घोषणा कर दी। दरअसल शुक्रवार की दोपहर दो लुटेरों ने गोपाल दी हट्टी में घुसकर सभी को बंधक बना लिया था। बदमाशों ने वहां रखा सारा माल लूट लिया था। बदमाशों ने कैमरों को नुकसान पहुंचाते हुए DVR भी लूट कर ले गए थे। आज शनिवार की दोपहर बाद व्यापारियों के बीच पहुंचे SPCT पीयूष सिंह ने यह जानकारी दी। दोनों मुलजिम हमारी कस्टडी में आ चुके हैं। व्यापारी एकता, आवाज दो। कुछ प्रोसीजरल काम होते हैं जिसको अभी हम लोग पूरा कर रहे हैं। शाम को कोशिश ये है कि 6:30 तक हम इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिटेल भी शेयर कर देंगे। उतनी बार एक मैंने आपसे अनुरोध किया है कि जब जब व्यापारी सुबह अपनी दुकानें खोलता है, आपकी जो पेट्रोलिंग है वो बिल्कुल ना के बराबर है। जब व्यापारी अपनी दुकानें बंद कर कर जाता है तब पेट्रोलिंग आपकी शून्य है। मेरा आपसे ये व्यापारियों के बीच में आप मेरी मांग है आपसे कि दोनों टाइम को निश्चित करा दें और अपने थानेदारों को लिखित में आदेश जारी करें और उनकी मॉनिटरिंग करें कि ये काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके अलावा एक बात और कहना चाहता हूं कि चौराहों पर चेकिंग के नाम पर जो लूट हो रही है, ये सारा व्यापारी खड़ा है, अगर हाथ उठाएगा तो सबके हाथ उठेंगे। ये स्थिति है कि वाहन चेकिंग के नाम पर जो कुछ हो रहा है, मेरा आपसे आग्रह है, अनुरोध है और ये मान लीजिए मैं आपसे मांग कर रहा हूं कि ये सब निश्चित तौर पे बंद हो जाना चाहिए। अपराधियों की चेकिंग हो ना कि व्यापारियों की और आम जनता को चेकिंग के नाम पर उससे लूट ली जाए। ये मेरा आपसे आग्रह, अनुरोध और मांग है। अजय जी, आप वैसे भी बता देते तो भी हम इसको कंसीडर करते हैं। सबके बीच में आपने कहा है तो हम इस चीज़ को निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे। खुलने और बंद होने के टाइम को भी हम इंश्योर करेंगे कि पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए। आप लोगों के साथ अलग अलग मीटिंग करके जो स्थानीय आपके व्यापार संघ है, चाहे बेगमपुर का हो चाहे आपके इस रोड के जो भी व्यापार संघ, से बात करके किस तरीके से इसको हम टाई अप कर सकते हैं, किस तरीके से इसको फर्दर स्ट्रेंथन कर सकते हैं CCTV के जरिए या और भी तमाम अब टेक्नोलॉजीज आ गई हैं उन सबके जरिए इस पर डिस्कस भी कर लेंगे। मैं इस समय आप सभी से अपील करूंगा कि जो भी लोग दुकानें बंद किए हैं कम से कम हमारी मेहनत को सम्मान दें। इस मौके पर संयुक्त व्यापार संघ अध्यक्ष अजय गुप्ता, विजय आनंद, बेगमपुर व्यापार संघ अध्यक्ष पुनीत शर्मा आदि की मौजूदगी में व्यापारियों की तरफ से महामंत्री दलजीत सिंह ने यह कहा। पुलिस प्रशासन का इस काम के लिए धन्यवाद दिया जाता है कि उन्होंने 24 घंटे के हमारे अल्टीमेटम को स्वीकार करते हुए घटनाक्रम को खोलने का काम किया है। और इसी के साथ सभी व्यापारियों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि अपने अपने प्रतिष्ठान खोलकर, राजेश जी का निवेदन है कि अपने अपने प्रतिष्ठान खोलकर अपने व्यापार को सुचारू रूप से कार्य करें। और जिस व्यापारी के साथ ये घटना घटी है, इन्होंने खोल के मेरठ बंद के आह्वान को भी वापस, देखिए ये घटना हमारी खुल गई है तो मैं पूरे बेगमपुर व्यापार संघ के SP साहब का धन्यवाद करता हूँ। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए FirstBite TV और हाँ, अपने इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना व बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर।